हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इसी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम एक और नई अपडेट लेके आए हैं आपके लिए, जो कि BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो फिजिकल चल रही हैं 165 बटालियन ग्रेटर नोएडा की, हमारे पास अपडेट है। हमारे पास अपडेट जो है 27 अगस्त 2022 की अपडेट है। वहाँ पर जो ट्रेलर ट्रेड का जो फिजिकल हुआ था, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको भी पता है कि यहाँ पर ऑथेंटिक और ओरिजिनल न्यूज मैं आपको देता रहता हूँ टाइम से पहले। तो दोस्तों, करते हैं हम टॉपिक को स्टार्ट। तो 27 अगस्त में जो वहाँ पर कैंडिडेट्स पहुँचे थे, उसमें जो है दो ट्रेड्स के कैंडिडेट्स थे, टेलर ट्रेड के थे और जो है वेटर के थे। दो ट्रेड्स के वहाँ पर कैंडिडेट्स थे, टेलर के अधिक थे और जो है वेटर के जो कम थे। करीब 300 बच्चे करीब वहाँ पे दौड़ के लिए रेडी हुए थे, पहुँचे थे करीब 400 के आसपास, बट कुछ हाइट में भार हो गए इस तरीके से, मतलब काफ़ी बच्चे हाइट में भार कर दिए गए थे वहाँ पर। तो ओवरऑल जो उन्हें मिले थे, दो ट्रेड्स के बच्चे मिले थे, टेलर ट्रेड्स के और जो वेटर ट्रेड्स के, वहाँ पर 300 बच्चे रनिंग के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है दोस्तों, उसमें से करीब 70 से 80 बच्चे पे मतलब दौड़ नहीं हो पाई थी, वो दौड़ में भार हो गए थे। टोटल जो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स उन्हें मिले, मतलब हाइट चेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर उन्हें जो 230 के आसपास कैंडिडेट्स मिले दोनों ट्रेड को मिला करके। दोस्तों, जो वेटर के थे, वेटर के करीब 50 बच्चे के आसपास थे और जो और बाकी थे करीब 250 के आसपास टेलर ट्रेड से थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रनिंग में अधिकतर कैंडिडेट्स जो है फेल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हो ही जाते हैं वहाँ पर फेल, ठीक है। उसके बाद में जो छटते हैं वहाँ पर हाइट चेस्ट दोबारा नपती है, वहाँ पे छट जाते हैं, और कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी भार हो रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा, टेलर ट्रेड्स पे वहाँ पर उन्होंने क्या करवाया था। तो सबसे पहले दौड़ रनिंग हो गई, आपको पता है रनिंग में छट जाते हैं, 70-80 बच्चे करीब छट गए थे। उसके बाद में हाइट चेस्ट में भी कुछ कैंडिडेट छट गए थे, और जो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हाइट चेस्ट के बाद में नपने के बाद में, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट छट रहे थे, GST के नंबर की वजह से नहीं छट रहे थे। वहाँ पे आपके GST नंबर नहीं मांग रही हैं 165 बटालियन नोएडा में, आपके पास GST नंबर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर है 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। यदि आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर 23 महीने का, मतलब एक महीना भी कम होगा 2 साल में, तो आपको बाहर कर दिया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर कोई कैंडिडेट्स 1 साल का बनवा के लेके जा रहा था और कोई कैंडिडेट 1.5 साल का बनवा के लेके जा रहा था। तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बाहर हुए थे, वो यही रीज़न था कि उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर नहीं था, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट्स जो OBC जो सेंटर की मांग रहे थे, तो उनमें भी मतलब एक दो कैंडिडेट्स बाहर हो गए थे। तो आपको मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया कि आपको सेंटर की OBC लेके जाना है, सेंटर की जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रेड टेस्ट के लिए रेडी कर दिया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट में आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, चाहे किसी भी ट्रेड्स का टेस्ट हो, जैसे कि कुक का हो गया और ऑटो कैरियर का हो गया और आपका टेलर का, तो मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर टेलर जो मतलब ट्रेड टेस्ट में किसी को भी फेल नहीं कर रहे थे, जिससे हमारी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि हमारे जो बैच में थे 38 कैंडिडेट्स थे और 38 के 38 जो है पास कर दिए गए थे। और हाँ, टेलर ट्रेड में जो ट्रेड टेस्ट करवाया था, ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे ही पास कर दिए थे, हर कैंडिडेट्स पे टेलर ट्रेड में ट्रेड टेस्ट करवाया था। तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर टेलर ट्रेड में क्या करवाया था। आपको एक कपड़ा दे दिया था और मशीन थी वहाँ पर, उसमें मोटर लगा हुआ था। तो मोटर पे आप, मोटर वाली मशीन पे, मतलब कुछ कैंडिडेट्स पे तो मोटर वाली पे करवाया था और कुछ देर बाद ही वो मोटर उतार दिया था, फिर पैर से चलानी पड़ी थी, ठीक है। उसमें जो एक कपड़ा दे दिया था उन्हें, उस पर सिलाई लगवाई थी उन पर, कि इस पर सिलाई लगवा, मतलब मार के दिखाओ कि आपके सिलाई करनी आती है या नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद में आप कुछ कैंडिडेट्स पे मशीन खुलवाई थी और साफ़ करवाई थी, इसे एक बार खोलो और थोड़ी बहुत साफ़ कर दीजिए, ठीक है। बस ये जो कटिंग नहीं करवाई थी वहाँ पर, कपड़े की कटिंग नहीं करवाई थी, एक छोटा सा कपड़ा दे दिया था कि इस पर सिलाई करके, मतलब इसे गोल करके दिखा दो एक बार, मतलब गोल सिलाई करके दिखाओ और मशीन को खोल के दिखाओ। और एक तो कैंडिडेट्स पे सफाई करवाई थी मशीन की। तो ये टेलर ट्रेड्स में नामात्र के लिए ट्रेड टेस्ट हुआ था, और जिस किसी कैंडिडेट पे सिलाई होगी वो भी ठीक है और जिस पे नहीं हुई वो भी ठीक है। तो सब कैंडिडेट्स वहाँ पर पास कर दिए गए थे, 38 के 38 कैंडिडेट्स थे एक बैच में, तो सारे के सारे पास कर दिए गए थे। तो दोस्तों, ये अपडेट थी मेरे पास में 27 अगस्त की। ये अपडेट्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।